नुकसान नहीं है, नुकसान सिर्फ इन लोगों का है। तो लाइव ऑफलाइन आप लोगों को नेटवर्क, आवाज़, वॉइस सब कुछ क्लियर आ रही है, आप लोग जल्दी से उपस्थित हो जाएं। आज की जो क्लास है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, हमने पिछले लेक्चर में अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विदेश नीति को पढ़ना शुरू किया था और उस विदेश नीति के अंतर्गत कुछ कह सकते हैं कि टर्मिनोलॉजी को समझा, बेसिक कुछ टर्म और शब्द शब्दावलियों को समझा था। आज से हम यहाँ पर चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे जिसमें भारतीय विदेश नीति के दो प्रमुख चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहले भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या हैं, अर्थात कि भारतीय विदेश नीति जैसी दिखाई देती है वैसी क्यों बनाई गई है, वैसा होने के पीछे के कारण क्या हैं, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, और जैसे इतिहास है तो इतिहास में क्या है, भूगोल के अंतर्गत उसे क्या प्रभावित कर रहा है, तो उन सारे पक्षों को यहाँ पर अवलोकन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय विदेश नीति स्वतंत्रता के पश्चात से वर्तमान के आने के दौरान चार अलग अलग चरणों में इसका विकास हुआ और हर बार की अपनी विदेश नीति में यहाँ पर कुछ मूलभूत परिवर्तन होते हुए देखे जा सकते हैं। जो स्टार्टिंग में यहाँ पर एक आदर्शवादी एक विदेश नीति को हम स्टार्ट करते हैं वो बदल के यथार्थवादी हो जाती है, उसके बाद उदारवादी होती है और एट द लास्ट यहाँ पर एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के तहत एक वैश्विक लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए एक नई मुहिम यहाँ पर स्थापित करते हैं। तो हर बार एक विदेश नीति में जो ये परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन के अंतर्गत क्या कारण रहे, स्थितिगत चुनौतियां क्या रहीं, यहाँ पर भारत को किस तरीके के लाभ देखने को मिलते हैं, क्या क्या वहाँ पे राजनीतिक स्तर पे परिवर्तन हुए, अंतर्राष्ट्रीय कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण ये परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, इन सभी चीज़ों का एक एक करके हम यहाँ पे अवलोकन करते चलेंगे और आप यहाँ पर चीज़ों को सुने, सुनने के बाद जो मेन कुछ पॉइंट्स होंगे वो हम लिखा देंगे। एट द लास्ट एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रिविज़न करते चलिए, नहीं तो ये कहानी शुरू जितनी तेज़ी से हो रही है ये जैसे जैसे अभी क्लासेस बढ़ेंगी इस क्लासेस में स्पीड बढ़ जाएगी। अभी मैं बहुत धीरे धीरे लेकर चल रहा हूँ क्योंकि क्या है अभी स्टार्टिंग में, एक के पाँच छः हफ्ते या सॉरी पाँच छः क्लासेज या एक हफ्ते के बाद धीरे धीरे क्लास की स्पीड बढ़ जाएगी, लिखने का मैटर क्या होगा कम होगा, समझने का ज़्यादा होगा। और अगर स्थिति आपके समझ में कम आई तो वहाँ पर क्या होंगी, लास्ट में प्रॉब्लम आपकी होगी। आज एक क्वेश्चन देंगे हम मेन आंसर राइटिंग का, तो इसलिए इसको और भी ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन यहीं से रिलेटेड होगा, या तो इसके निर्धारित तत्वों से होगा या तो विकास के चरण से होगा और वो आंसर राइटिंग कल आप लोगों की चेकआउट की जाएगी, ठीक है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, कहानी शुरू करते हैं भारतीय विदेश नीति में इसके अपने निर्धारक कुछ तत्वों की स्थितियों से। ऑफलाइन के अंतर्गत सभी को सारी चीजें क्लियर हैं, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जस्ट मिनट अटैच सम नेटवर्क। चलिए सभी लोग आ गए हैं, क्लास स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी सभी लोगों की। चलें तो सबसे पहली चीज, किसी भी देश में जब कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो पॉलिसी बनाने के लेकर कुछ निर्धारक तत्व होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि उसी के आधार पर हम पॉलिसी बनाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप समझिए, इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से अगर भारत सरकार के द्वारा वर्तमान समय में जब COVID-19 का इम्पैक्ट पड़ा तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, जब जॉब चली गई तो क्या हुआ, लोगों के पास पैसा जो इनकम का जो स्रोत था वो खत्म हो गया। तो उनके पास अगर आपके पास पैसे नहीं आएंगे तो आप कुछ चीज़ खरीद के खाने के लिए जब भी चाहिए होगा तो इनकम चाहिए, पैसे चाहिए, और वो आपके पास नहीं है। तो सरकार ने कुछ घोषणाएं की कि वहाँ पर सरकार के द्वारा पर्टिकुलर श्रमिकों को, किसानों को, मजदूरों को वहां पर क्या होगा, कुछ पैसे अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। अब वो पैसा ट्रांसफर में किसको किया गया, सरकार के पास ये कहां से डाटा आया, डाटा के लिए ऑलरेडी जहां भी आप संस्थागत किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो वहां पर आपका डाटा मेंटेन किया जाता है। प्लस भारत सरकार का अपना श्रम मंत्रालय है, उसके पास अपना डाटा होता है और उसके अकॉर्डिंग आधार से आप लिंक्ड होते हैं और आपको वो चीजें पैसा जो है वो ट्रांसफर किया गया। तो क्या हुआ, एक पॉलिसी बनाई गई कि पैसा देना है, लेकिन पॉलिसी बनाने के पीछे का रीजन क्या था, COVID-19 के इंपैक्ट कारण आपकी जॉब चली गई है।
तो कहने का मतलब जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाएगी उसके पीछे का जो टर्मिनोलॉजी है वो होंगे कुछ फैक्टर्स। भारतीय विदेश नीति में भी ऐसे ही कुछ फैक्टर हैं जो कि भारतीय विदेश नीति में जो ये परिवर्तनकारी स्थितियां देखने को मिलती हैं इनके पीछे भी ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। सबसे पहले भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाने की ज़रूरत है, सिर्फ आप आधुनिक भारत में और आधुनिक भारत में भी स्वतंत्रता दौरान की जो आपके भारत स्वतंत्र होता है उस समय की स्थिति को देखिए। भारत स्वतंत्र होता है, भारत सिर्फ भारत नहीं था, पाकिस्तान भी इसका हिस्सा था स्वतंत्रता के पूर्व, लेकिन भारत के स्वतंत्रता के साथ दो देश बनते हैं, दो ऐसे देश बनते हैं जिसका एक देश का हिस्सा भारत के पश्चिमी और एक हिस्सा उसका भारत के पूर्वी तरफ था। हम किसकी बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की। एक तरफ पाकिस्तान का पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से था और दूसरी तरफ वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से था और बीच में भारत था। इसके अलावा स्वतंत्रता के समय ही भारत के कुछ क्षेत्रों को वहां पर, जैसे हैदराबाद का था कि वो क्या था? स्वतंत्र था। कश्मीर जो भी था वो भी एक तरीके से स्वतंत्र था, और ऐसे बहुत सारे देसी रियासतें, जूनागढ़ भी उसमें एक हिस्सा था, उनको बाद में किसी तरीके से तो हमने सम्मिलित कर लिया। गोवा का जो क्षेत्र था वो पुर्तगालियों के हिस्से में था, तो वो ऑलरेडी 1960-61 में जाकर हम उसको लेकर आते हैं, उसके पहले वो भी स्वतंत्र था। सिक्किम भी बाद में हमारे क्षेत्र में आकर सम्मिलित होता है संधि के माध्यम से। तो अगर देखें तो भारत का जो औपनिवेशिक अर्थात कह सकते हैं ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र होता है, जो उसका इतिहास था, भारत एक ऐसे कह सकते हैं भौगोलिक क्षेत्र का वहां पे उद्भव होता है जिसके कारण वहां पे समस्याएं ज्यादा थी, जो विस्तार था वो बहुत ज्यादा बड़ा था और उसकी जो सीमाएं थी विवादास्पद थी, जो देश थे उनके साथ संबंध अच्छे नहीं थे और क्षेत्रीय स्तर पर एक नौ चुनौतियां भी उत्पन्न करते हैं। चीन के साथ भी, जो ब्रिटिश साम्राज्य के साथ चीन की जो संधि हुई थी, ब्रिटिशों के चले जाने के बाद उस क्षेत्रों के निर्धारण को लेकर भी समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि चीनी जो थे वो ब्रिटिशों के द्वारा निर्धारित की गई सीमा रेखा को मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि ये जोर जबरदस्ती से साइन की गई संधि थी। दूसरा, तिब्बत को एक पक्ष बनाया गया था। किस पॉलिसी में? जब ब्रिटिशों ने चीन के साथ सीमा रेखा का निर्धारण किया तो उसमें तीसरा जो पक्ष था वो तिब्बत था, और चीन ने तिब्बत को अपना हिस्सा माना और तिब्बत को वहां पर तीसरे पक्ष को उसको स्वीकार नहीं किया। तो भारत और चाइना के साथ भी उसके जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, उनके साथ संबंध अच्छे नहीं थे, और इस समस्या के कारण भारत के जो ऐतिहासिक एक औपनिवेशिक स्थिति, भौगोलिक स्तर पर वहां पर विवादित स्थितियां उत्पन्न हुई, और उसकी जो विदेश नीति में एक हिस्सा था, भारत ने कहा कि यदि हम अपने जो विवादित स्थितियां हैं इनके साथ एक सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण समझौते के साथ आगे बढ़े तो हमारे लिए क्या होंगी? चीजें बेहतर होंगी। विदेश नीति में देखेंगे ऐसे आदर्श के कौन कौन से तत्व थे, लेकिन भारत की विदेश नीति में आदर्शवाद क्यों आया? क्योंकि वहां पे स्थितियां बहुत ज्यादा जटिल थीं और उसके लिए उन्होंने सबसे पहला जो पक्ष रखा कि हम चीजें क्या करें, शांतिपूर्ण तरीके से चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं। आर्थिक तत्वों के आधार पर देखें तो ब्रिटिशों के द्वारा भारत का अच्छा खासा आर्थिक शोषण किया जा चुका था। जो एक समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ब्रिटिशों के जाने के पश्चात भारत में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और कह सकते हैं कि लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर का था, साथ ही जमींदारी प्रथा बहुत बड़े स्तर की थी, और वहां पर जोत जो थी या किसानों के जो बड़े बड़े किसान थे और बाकी जो थे उनके बंधुआ मजदूरी के रूप में कार्य करने वाले लोग थे, जातीय प्रथा अपने चरम पर थी, और वहां पर ये सब सारी चीजें, एक सामाजिक जो होती है ऊंच नीच का जो स्तर था, वो सारी जटिलताएं भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को वहां पर परिलक्षित करती हैं, जहां पर जरूरी था कि विदेश नीति के माध्यम से हम कुछ ऐसे आर्थिक संबंधों को विकसित करें, ऐसी पॉलिसीज लेकर आएं जो कि भारत के जो आर्थिक तौर पे जो शोषण हो चुका है, जो हम सामाजिक तौर पे बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको हम उनका उद्धार करें, उनको बेहतर रोजगार के अवसर दें, औद्योगिक विकास करें, कृषि क्षेत्रों में खाद्यान्न को ज़्यादा प्राथमिकता दें, क्योंकि गरीबी के साथ साथ भुखमरी की भी समस्या थी। ब्रिटिशों ने हमसे खेती कौन सी कराई जो उनके व्यापारिक संदर्भ से फायदेमंद थी, ना कि उन्होंने उसको प्राथमिकता दी जो कि यहाँ के लोगों की आवश्यकता थी। तो उसको लेकर पंचवर्षीय योजनाएं हम बनाते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत के पांच पांच वर्षों के चरणबद्ध तरीके से उसके आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया लेकर आते हैं, जिसके लिए योजना आयोग का गठन किया गया और उसके आर्थिक विकास के दृष्टिकोण को लेकर आगे बढ़ते हैं। घरेलू वातावरण कैसा था? भारत का जो घरेलू वातावरण का क्या मतलब होता है? किसी भी देश की राजनीतिक, सामाजिक स्तर पर, साथ ही आर्थिक स्तर पर,
जो लोगों की पॉलिसीज़ हैं, क्षमताएं हैं, आवश्यकताएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उन सारी चीज़ों का सम्मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। घरेलू अगर हम वातावरण शुरुआती दौर की बात करते हैं तो एक तरफ करिश्माई व्यक्तित्व थे, जहां पर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखते हैं जिन्होंने भारत को एकीकृत करने का कह सकते हैं एकीकृत किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखते हैं जो कि शायद भारतीय दृष्टिकोण से अगर उतने प्रभावी तो नहीं थे, लेकिन वैदेशिक संबंधों की बात करें तो उनका कोई तोड़ नहीं था। भारत की जो विदेश नीति में जो एक बहुत बड़ी पॉलिसी या कह सकते हैं जो प्रथम चरण है, ये पूरा प्रथम चरण भारतीय प्रधानमंत्री या इसको नेहरू की विदेश नीति के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो समयकाल है उस समय वो प्रधानमंत्री थे और भारत के सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री आज भी हैं वो। तो यहाँ पर जो पॉलिसीज थी उस समय की, वहाँ पर पॉलिसी की जो घरेलू वातावरण था बहुत अच्छा नहीं था, लोगों के पास किसी भी प्रकार के औद्योगिक वहाँ पर विकास की स्थितियाँ नहीं थीं, कृषि क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था, पॉलिसीज अभी नई बनी ही थी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दौर पे भी हम देखें तो हमारे जो संबंध थे हमने गुट निरपेक्षता की नीति अपना ली और गुट निरपेक्षता की नीति के अंतर्गत ना हम अमेरिका के पक्ष में गए जो कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी जो कि आपको आर्थिक तौर पर सहायता प्रदान कर सकती थी, और ना ही हम साम्यवादी दृष्टिकोण से यूएसएसआर के पक्ष में जाते हैं जो कि हमें शायद प्रशासनिक स्तर पर चीज़ों को किस तरह से नियंत्रित किया जाता है उसको लेकर आते हैं। लेकिन नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंधों को विकास देने को लेकर जो पॉलिसीज अपनाई वहां पर अंतर्राष्ट्रीय वातावरण भी बहुत मायने रखता है। अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के दौर में अगर हम देखें बाडू में सम्मेलन 1955 की स्थिति, 1961 में गुट निरपेक्ष, पंचशील समझौता 1954, 1947 और 49 में फिर आपका भारत का विभाजन के पश्चात कश्मीर विवाद, 1965 और 62 के चीन और पाकिस्तान से युद्ध, 71 का पाकिस्तान का युद्ध, ताशकंद समझौता यूएसएसआर का वहां पे सम्मिलित होना, 1971 में भारत और यूएसएसआर जिसको हम सोवियत संघ कहते हैं उसके साथ एक शांति मैत्रीपूर्ण समझौते का होना, ये सारी जो घटनाएं थी, 1974 में जाके भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण करना, ये घटनाएं भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्थापित करने को लेकर और साथ ही साथ बिना किसी पक्ष में सम्मिलित हुए बिना अपने आप को तीसरी दुनिया का एक लीडर या नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रस्तुत करना था। चुनौती बहुत बड़ी थी, चुनौती इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि शीत युद्ध का दौर था और शीत युद्ध में दो ही पक्ष मजबूत थे, या तो आप साम्यवाद की ओर खड़े हों यूएसएसआर का पक्ष लेकर, या तो आप खड़े हों पूंजीवादी अर्थात यूएसए का। इस दौर में गुट निरपेक्षता अपने आप में एक बहुत नया कॉन्सेप्ट था और शुरुआती दौर में इसका बड़ा मजाक भी उड़ाया गया। मजाक इस संदर्भ में कि जो इसके सदस्य थे वो कौन थे, एफ्रो एशियाई कंट्री, और एफ्रो एशियाई कंट्री जो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं थे, मूलतः विकासशील या अल्पविकसित देश थे। यहाँ तक कि अफ्रीकी जो देश था उसको तो अंधकार युग अंधकारमय देश महाद्वीप भी कहा जाता था क्योंकि वहाँ पर तब तक कोई बहुत कुछ हुआ भी नहीं था। एशिया तो फिर भी उससे ठीक था, तीसरी दुनिया या तीसरा विश्व उसको बोला जाता था, उससे बेटर था, लेकिन उससे भी खराब की स्थिति किसकी थी, अफ्रीका की। और ऐसे लोग एक साथ में खड़े भी हों तो उनको बहुत कोई महत्व नहीं देता है। ये ठीक वैसे ही स्थिति हो गई कि यहाँ पर आपकी अमेरिका बड़े बड़े लोगों की पार्टियों में किसी छोटे व्यक्ति का वहाँ पर आना और जाना और चले जाना, वो चाहे कितना हल्ला गुल्ला करते रहे कोई उनकी सुनता नहीं है, ये ठीक वैसा ही था। लेकिन शुरुआती दौर में ये सिर्फ 25 थे, कौन, गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य राष्ट्र थे। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ा इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 100 के पार चली जाती है। कारण क्या था, क्योंकि 1947 से लेकर 1990 तक की जो स्थितियां भी हम देखेंगे बहुत कुछ बदल जाता है। बदल क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पर घटनाएं बहुत तेजी से परिवर्तित होती हैं। पश्चिम एशिया में एक घटना होती है जहां पर हम देखते हैं कि अरब इसराइल या कह सकते हैं कि एक जो फिलिस्तीन को लेकर एक मुद्दा था, फिलिस्तीन इसराइल का युद्ध भी था, अरब इसराइल संघर्ष था, ईरानी क्रांति का होना, इसके अलावा खाड़ी का युद्ध होना और तेल संकट का उभरना, चीन के द्वारा एक शांतिपूर्ण उदय की नीति के तहत उसका विस्तार होना, उभार होना, यूएसएसआर का विघटन हो जाना और भारत के लिए भुगतान संतुलन की समस्या का खड़ा होना, उसके कारण भारत के एलपीजी रिफॉर्म्स का लेकर आना और परमाणु परीक्षण करने के बाद अपने आप को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित कर देना, ये ऐसी प्रमुख घटनाएं थी जिसने भारतीय पॉलिसीज को पूरी तरह से बदल के रख दिया और भारत को एक नए सिरे से अंतर्राष्ट्रीय देशों को देखने को मजबूर करता है। और ये चीज़ें बदलती हैं आपके तीसरे दौर में।
तीसरे दौर में भारत के लिए जो पॉलिसी है पूरी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत को देखा जाता था वो पहले दो आधारों से बहुत अलग भारत दिखता है, और ये चीज़ें और बदल जाती हैं 2014 के बाद की स्थितियों को लेकर। तो इनका हम अवलोकन करेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं घटी उसने भारत की विदेश नीति में काफ़ी प्रभावित किया। किस किस स्तर पर कहाँ टर्न होते हैं उनको अभी हम देखेंगे। एकदला शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था का दौर देखिए भारत का 1947, एक बहुत ही स्थिर सरकार, 17 साल लगातार कांग्रेस में एक ही प्रधानमंत्री बना रहता है, वो भी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तित्व अच्छा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थी, एक अच्छा लीडर और अच्छा बोलने की शैली, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी। प्रभावशाली व्यक्तित्व होने के साथ साथ उनको राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। लेकिन यहाँ पे चीज़ें बदलती हैं क्योंकि जो इनके उत्तराधिकारी आते हैं कांग्रेस के बाद, यहाँ पर एक बहुत ही सीधे साधारण प्रधानमंत्री आते हैं और वो हैं आपके लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं चलता है। इंदिरा गांधी आती हैं और इंदिरा गांधी एक बार फिर से एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक महिला का प्रधानमंत्री बनना एक ऐसे देश में जहां कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा घरेलू स्तर पर सामाजिक स्तर पर मान्यता नहीं मिलती है, एक बहुत बड़े कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उपस्थिति दर्ज कराती है। लेकिन वहाँ पर एक लीडर का इस तरीके से कठोर बन जाना और उनकी जो पॉलिसीज थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक अलग देश के रूप में प्रस्तुत करती, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि नेहरू की जो पॉलिसीज थी वो बहुत ज़्यादा मेल मिलाप को लेकर प्राथमिकता देती हैं, वहीं पर अगर हम इस दौर को देखें तो यहाँ पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जो कार्यकाल था ये ज़्यादा यथार्थवादी था बजाय आदर्शवाद के, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अपने संबंधों को बदले, उन्होंने परिस्थितियों को देखा और परिस्थितियों के अनुरूप वहाँ पर नए शासन व्यवस्था के अनुरूप वहाँ पर नई पॉलिसीज, नए देशों के साथ संबंध भी विकसित किए। लेकिन एक दौर आता है भारत की राजनीतिक स्तर पे अस्थिरता को लेकर। दौर था 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आती है 2-3 सालों के लिए और वहाँ पे पॉलिसीज थोड़ी सी चेंज होती है। चेंज लेकिन भारत के संदर्भ में अच्छी थी क्योंकि वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री के तौर पर चीन की यात्रा करते हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय के पश्चात आफ्टर नेहरू के पश्चात पहली कोई विदेश यात्रा थी। इसके बाद चीज़ें और बदलती हैं, सरकार जाती है, फिर इंदिरा गांधी की सरकार आती है, इंदिरा गांधी की मृत्यु, आपको मार दिया जाता है, उसके बाद आपकी राजीव गांधी की सरकार आती है और राजीव गांधी की सरकार एक बार थोड़े समय तक की स्थिरता तो देती है, कुछ नए प्रयोजन भी लेकर आती है जिसमें एक उदारीकरण का दौर की शुरुआत जो होती है हम देखते हैं 1991 के बाद हैं, लेकिन जो घटना प्रारंभ करते हैं उसका बहुत बड़ा श्रेय यहाँ पर राजीव गांधी को जाता है। कहानी बहुत सीधी और सिंपल थी, कहानी इसलिए अच्छी थी क्योंकि यहाँ राजीव गांधी एक बहुत युवा प्रधानमंत्री थे, विदेश से पढ़कर आए थे, नॉलेज अच्छी थी, तकनीकी का उनको एक नॉलेज था, उनका कहना था कि यदि भारत को अपने आप को विकसित करना है तो यहाँ पे तकनीकी का समावेश करना बहुत ज़रूरी है। और कंप्यूटरीकरण की आज जो स्थिति आप देखते हैं, जिस तरीके से आज हम तकनीकी पर इतने आश्रित हैं, उसका जो श्रेय जाता है वो राजीव गांधी को जाता है। उन्होंने शासन व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण को लाने का जो श्रेय है वो उनको जाता है। इसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ वहाँ पर किया है, जिसमें श्रीलंका के साथ उनका किया गया समझौता, सेना को भेजा जाने जो उनकी मृत्यु का भी कारण बनता है, लिट्टे के हमले में उनकी मृत्यु हो जाती है और यहीं से एक नया दौर शुरू होता है जिसमें दो प्रमुख घटनाएं फिर से देखने को मिलती हैं, दो बड़ी चीज़ें। एक यहाँ पर देखने को मिलता है USSR का अफगानिस्तान पर हमला और दूसरी जो बड़ी घटना देखने को मिलती है यहाँ पर खाड़ी युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल का संकट उत्पन्न होना। भारत को इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, भारत को तीन चीज़ें वहाँ पर झेलनी पड़ी। USSR भारत का एक बहुत अच्छा मित्र था, मित्र होने के साथ साथ लेकिन भारत का USSR के अफगानिस्तान पे हमला कर देने से भारत की जो एक पॉलिसी थी वहाँ पर उसको धक्का लगता है और वो कहीं ना कहीं वहाँ पर स्थापित नहीं कर पाता कि वो USSR के साथ जाए, इसका विरोध करे। दूसरी चीज़, राजीव गांधी की हत्या हो जाती है और तीसरी यहाँ पर LPG रिफॉर्म्स उसको लाना पड़ता है, या कैसे तेल संकट कारण उसके समय आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा समस्याप्रद हो जाती है। इसी दौर में राजीव गांधी की हत्या के बाद एक बार फिर से भारत को एक राजनीतिक स्थिरता के लंबे दौर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि इसके बाद भारत को राजनीतिक स्थिरता देने के लिए जो पार्टियां या सरकार बनी वो गठबंधन की सरकारें रहीं, जो कि 1914 तक लगातार आपको गठबंधन की सरकारें देखने को मिलती हैं। कब कितने सालों बाद, कम से कम 25 सालों के बाद भारत की स्थायी सरकार मिलती है, जो एक बहुमत, एक दलीय जो सरकार है जो बहुमत के साथ आती है वो 2014 के चुनाव के बाद आती है, और इतने लंबे समय तक की जो राजनीतिक जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा उठा पटक वाली थी, जहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियाँ पहली बार 1990 के बाद
आती हैं भारतीय राजनीति में, ये कह सकते हैं कि पटल पर आपके सबसे ऊपर आ जाती हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियों पर एक दबदबा बनाना शुरू करती हैं। और यहीं पर समाजवादी पार्टियां हो गई आपकी, साथ ही आरजेडी जैसी पार्टियां हो गई, और आपके तृणमूल कांग्रेस और जो नीचे की आपकी साउथ की पार्टीज हैं वहाँ पर उनकी यहाँ पर उपस्थिति देखने को मिलती है, उनकी सरकार में एक अच्छी खासी भूमिका। विदेश नीति पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव देखता है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं। एक अच्छी चीज में सबसे अच्छा जो सबसे बहुत बड़ा एग्जांपल दिया जाता है गुजराल सिद्धांत का। 1996 के दौर में गुजराल का जो सिद्धांत लेकर आते हैं उन्होंने बहुत चीज़ें बदल दी अपनी पड़ोसी नीति को लेकर। पॉलिसीज क्या थी उसको समझेंगे। इसके बाद ये शासन व्यवस्था इस तरीके से चली जहाँ पर बहुत स्थिरता, बहुत अस्थिरता, स्थिरता, अस्थिरता, और इसमें दो तीन चीज़ें बहुत समस्याप्रद आईं तो उनको किस तरह से झेला गया। तो देखने का जो निर्धारक जो तत्व हैं, बदलने वाली स्थितियाँ जो हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां, और साथ साथ यहाँ पे शासन व्यवस्था, ये हर एक चीज़ थी जो कि भारतीय कह सकते हैं कि विदेश नीति को कहीं ना कहीं प्रभावित करती थी, चाहे वो उसके नए सिरे से परिवर्तन को लेकर हो, चाहे किसी के साथ संबंधों को विकसित करने को लेकर हो, चाहे घरेलू स्तर पर अपनी पॉलिसीज़ को बदलने को लेकर हो। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर निर्धारित होती हैं, इन्हीं के कारण। और ये दौर, ये सारी जो चीज़ें हैं, अब इनका समावेश इस स्तर पे होता है और ये चरण शुरू होता है 1947 से 1964, भारतीय विदेश नीति का प्रथम चरण। इस चरण को हम कहते हैं कि यहाँ पर इस चरण को एक चीज़ दो तरीके से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, या तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय विदेश नीति के विकास के चरण में या भारतीय विदेश नीति में, या आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए फिर मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा, आपको भी आइडिया लग जाएगा कि मुझे लिखना कैसे है। तो क्वेश्चन लिखिएगा इसमें, सभी लोग ऑफलाइन में जितने भी हैं पेपर पेन कॉपी निकालिए, और लाइव ऑफलाइन में भी जो हैं एक क्वेश्चन नोट करिए फटाफट, हेडिंग पहले ऊपर अपना डाल लीजिएगा, उसके नीचे क्वेश्चन लिखिएगा, फिर जो मोटिव या कंटेंट लिखाऊंगा तो उसी के नीचे आप लिख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन लिखिएगा, भारतीय विदेश नीति में आदर्शवाद और यथार्थवाद जैसे सिद्धांतों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। टिप्पणी कीजिए, अब इसको समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का आप आंसर तब लिख पाएंगे जब आप पहले दो एस्पेक्ट्स को पढ़ लेंगे। किसको किसको? पहला चरण और दूसरा चरण। तो इन दोनों चरणों को अच्छे से सुन लीजिए, आपको यहीं पे आदर्शवाद की स्थितियां भी मिलेंगी और दूसरे चरण में आपको यथार्थवाद की स्थितियां मिलेंगी, और दोनों को आपको यहां अपने उत्तर में लिखना है। भारत की स्वतंत्रता 1947, स्थितियां क्या थी? अगर स्थितियों में हम देखें, कुछ चर्चाएं करें, तो बहुत ज्यादा कुछ यहां पर तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं। एक तो 1947 भारत स्वतंत्र होता है। भारत की स्वतंत्रता के साथ एक चीज यहां पर और देखने को मिलती है, स्वतंत्रता होती है किस चीजों से? ब्रिटिश उपनिवेश काल से, ब्रिटिशों के द्वारा अच्छा औपनिवेशिक काल क्या होता है पता है? हाँ, कितने लोगों की हिस्ट्री हो चुकी है पीछे? नहीं हुई किसी से? औपनिवेशीकरण अर्थात कोई ऐसा क्षेत्र, हाँ पता है सर, जैसे किसी देश पर अपनी शासन सत्ता स्थापित करना है, कर लेना वही औपनिवेशीकरण, जैसे ब्रिटेन के लिए भारत, हाँ ब्रिटेन के लिए भारत एक उपनिवेश था, औपनिवेशिक क्षेत्र था। तो औपनिवेशिक क्षेत्र में क्या होता है? किसी ऐसे क्षेत्र पर कब्जा करना
उसकी आर्थिक राजनीतिक स्थितियों के संबंधी जो निर्णय करने होते हैं वो कौन करता है, आप स्वयं न करके किसी अन्य देशों के द्वारा आपको शासित किया जाना। भारत भी ऐसा ही था, जो ब्रिटिशों के आधिपत्य क्षेत्र में था, ब्रिटिशों के द्वारा ही पॉलिसीज आपको डिसाइड की जाती थी, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय किसी दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करना हो, चाहे आपको किसी के साथ व्यापार करना हो, और चाहे आपके क्षेत्र में किसी प्रकार की व्यवस्था को संचालित करना हो, ये सारा कुछ कौन करता था, ब्रिटिश के द्वारा किया जाता था। तो भारत भी क्या था, एक ब्रिटिश औपनिवेशिक क्षेत्र से स्वतंत्र हुआ देश था। आप एक लंबे समय तक किसी भी देश के अगर औपनिवेशिक क्षेत्र में रहते हैं तो वहां पर आप आगे इन फ्यूचर क्या करेंगे, अचानक से जो आपको ऊपर से या किसी के ऊपर से जो भी है हाथ अगर आपका हट जाए तो अचानक से आपके लिए क्या हुआ, एक खालीपन। एक प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके से दूसरे देशों के साथ डील करना चाहिए इसकी एक अनभिज्ञता भी थी। लेकिन हाँ, नेहरू के होने से यह फायदा था कि नेहरू उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध स्थापित करने वो किस तरीके से होने चाहिए उनको इसका फायदा मिलने वाला था। इसी के साथ साथ 1947 के बाद भारत की अपनी बहुत सारी घरेलू आवश्यकताएं थी जिनकी पूर्ति करना जरूरी था। आवश्यकताएं सबसे पहले देखिए, सबसे पहले स्थितियां समझना जरूरी है ताकि विदेश नीति आप अच्छे समझ लें। घरेलू आवश्यकताएं क्या थी, खाद्यान्न की एक बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि यहाँ पर भारत आप स्वतंत्र हुए थे, आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना था, जो बेरोजगारी के अवसर थे रोजगार में बदलना था, उद्योगों का विकास करना था, ये सारी चीजें, और राजनीतिक स्तर पे एक पूरे भारत में एक राजनीतिक व्यवस्था को कायम करना था जिसमें यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करना था, कानून न्याय व्यवस्था को लेकर आना था, और ये सारी चीजों किस तरीके से संचालित करें इसके लिए एक बेहतर पॉलिसीज होनी चाहिए थी। तो ये घरेलू अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी उनके समक्ष एक चुनौती थी, और ये सारी आवश्यकताएं वो किस तरीके से पूरी करेंगे, इसके लिए किसका सहयोग प्राप्त करेंगे, ये भी उनके समय एक प्रश्न या क्वेश्चन मार्क के रूप में वहां पे खड़ा था। इसके अतिरिक्त जो इनके पास, ये तो चलिए इनके पास एक स्वतंत्रता हुई थी, स्वतंत्रता के साथ साथ इनकी क्षेत्रीय स्थिरता या कह सकते हैं अस्थिरता, क्षेत्रीय अस्थिरता कौन कौन, एक तो पाकिस्तान था, दूसरा यहां पर चीन के साथ संबंधों को लेकर कोई बहुत अस्पष्टता नहीं थी, तो ये दो देश थे जो कहां पर किसके साथ कैसे संबंध लेकर आगे बढ़ने, यहां पर हमें कोई एक स्पष्ट नीति हमारे पास नहीं थी। तो करना क्या था, तो यहां पर इस स्थिति के अनुरूप आपको एक पॉलिसी जनरेट करनी थी, नीतियां बनानी थी। तो यहां पर कुछ चीजें या कुछ घोषणाएं या कुछ नीतियां लेकर आते हैं। नीतियां क्या क्या थी, भारत के द्वारा आर्थिक स्तर पर लेकर आई गई पंचवर्षीय योजनाएं। इस पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हमने कृषि और उद्योग दोनों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसके साथ साथ हमने क्या किया, पंचशील सिद्धांत चीन के साथ एक समझौता कर लिया। समझौता क्यों किया गया, क्योंकि यहां पर इसको शांत करना जरूरी था। पंचशील सिद्धांत या समझौता क्या था, पंचशील समझौते में शांति, सुरक्षा, संप्रभुता, एक दूसरे के प्रति यहां पर किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की नीति जो कि आंतरिक मामलों में नहीं करना था, इसके अलावा गैर पारस्परिक आक्रामकता से आप यहां पर बचाव रखना था, अपने आप को एक दूसरे से किसी प्रकार के आक्रामक व्यवहार वहां पर नहीं करना था, किसी प्रकार के विवाद इत्यादि के मुद्दे पर कह सकते हैं वहां पर मध्यस्थ या शांतिपूर्ण तरीके से उसे हल करने की मुहिम थी, और इन सारी चीजों के तहत यहां पर एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना के तहत पंचशील समझौता किया गया 1954 में। एक और चीज की गई, एक और यहां पर चीज लेकर आते हैं, 1955 में एक बाडुंग सम्मेलन होता है। बाडुंग सम्मेलन में क्या था, एफ्रो एशियाई एकता। यह जरूरी क्यों था, और इसी को आप नाम क्या दे सकते हैं, 1961 में इसी को आगे चल के यह बन जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये हमने हासिल किया कब, तो आर्थिक स्तर पर एक स्थिरता प्राप्त की, राजनीतिक स्तर पर कांग्रेस ने हमें यहां पर एक शासन के स्तर पर एक व्यवस्था स्थापित कर दी, पंचशील समझौते के माध्यम से हमने जो क्षेत्रीय स्थिरता थी पाचीन के साथ यहां पर इसे समाप्त किया, बाडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो अलग अलग धड़ बने हुए थे उनसे हमने अपने आप को अलग करते हुए अपने आप को एक तीसरे कह सकते हैं पक्ष के रूप में या तीसरे विकल्प के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया, और इसी को यहां पर हम इसे रख सकते हैं नेहरू की विदेश नीति।
नेहरू की विदेश नीति, क्योंकि सम टाइम में भी अगर आपको क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि नेहरू की विदेश नीति में आदर्शवाद का समावेशन देखने को मिलता है, तर्कों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए, तो नेहरू की विदेश नीति का कहाँ तक लिखना है? सिर्फ 1947 से लेकर के 1964 के दौरान उन्होंने जो भी क्रिया प्रक्रियाएं की हैं उसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत के लिए उन्होंने क्या प्राप्त किया है, सिर्फ आपको इस चीज़ों को वहाँ पे स्पष्ट कर देना है। इससे ज़्यादा और इससे कम यहाँ पे कुछ आपको लिखना नहीं है। इसके बाद एक चीज़ आती है, एशिया अफ्रीका सम्मेलन होता है, वहाँ पर दोनों देशों के गुटों को वहाँ पर उसमें सम्मिलित करते हैं, बाडुंग सम्मेलन कर लिया गया, पंसिल समझौते कर लिए गए, लेकिन यहीं पर कुछ चुनौतियाँ भी रह जाती हैं। चुनौतियां क्या थी? चुनौतियां थी तो सबसे बड़ा तो उसका पड़ोसी ही था। इस पड़ोसी ने दो बार इस दौरान, किस दौरान, सिर्फ इस दौरान की मैं बात कर रहा हूं, इस दौरान दो बार समस्या उत्पन्न की। एक तो वहां पर कश्मीर का विवाद उसने उत्पन्न किया 1949 के दौर में, और दूसरा जो विवाद किया 1962 का, जिसको हम इंडिया पाकिस्तान युद्ध कहते हैं। ये चुनौतियां हमें वहां पर देखने को मिलती हैं पाकिस्तान के द्वारा, जो पड़ोसी स्तर पर आप कह सकते हैं क्षेत्रीय अस्थिरता का एक दौर इस दौर में चलता रहा। भारत ने यहां पर एक चीज थी, भारत इस समय परमाणु संपन्न देश नहीं था, और एक चीज निकल कर आती है 1964 में जिस वर्ष इनकी डेथ होती है उसी दौरान यहां पर एक चीज निकल कर आई कि चीन ने अपना परमाणु परीक्षण कर लिया। तो एक जो हमने यहां पर समझौता किया था, पंसिल समझौता हमने कर लिया था कब, 1954 में, जहां पर एक दूसरे के साथ शांति और व्यवस्था को स्थापित करने की हमने कोशिश की थी, वहीं पर 1964 के दौरान यहां पर, सॉरी 1962 में इंडिया और पाकिस्तान के 65 में हुआ था, तो 1962 में पाकिस्तान चाइना यहां पर आपका युद्ध हो जाता है इंडिया और चाइना का, और साथ ही साथ 1964 में हमने चीन के साथ एक क्या किया, एक चीन ने अपने स्तर पर एक परमाणु परीक्षण कर लिया। और ये दो चीजें होने के साथ एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के को हम जैसा देखते हैं उसकी कथनी और उसकी करनी में सबसे पहली बार जो हमें अंतर साफ रूप से स्पष्ट दिखाई देता है, और वो आपको दिखाई देता है भारत के संदर्भ में 1962 और 1964 के दौरान। हमने यहाँ पे समझौता कुछ किया और उसने जाकर वहां को अपने आप को स्तर पर कुछ और ही दिखाया, और ये दोनों ही चीजें विदेश नीति के स्तर पर भारत के आदर्शवाद की विदेश नीति की सबसे बड़े कह सकते हैं सेटबैक के रूप में थे। और यही एक सबसे बड़ा एक रीजन हमें दिखाई देता है कि जो आदर्शवादी की नीति थी शांति, ये जितने भी यहां पर आप समझौते देखेंगे, ये जितनी भी चीजें हैं, ये तीनों ही चीजें, इसमें तीन चार चीजें हमेशा कॉमन है, शांति, सहयोग, समझौता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यही है ओवरऑल पॉइंट, मैं बाद में लिखा दूंगा, लेकिन इसमें जो डिटेलिंग जितनी भी है सब यही बात कहते हैं। और यही बात हमें यहां पर सेटबैक के रूप में दिखाई देती है, जो यथार्थवाद की परिस्थितियों में जाने के बाद वहां पर बदल जाती है। भारत ने 1900 कह सकते हैं इस सेकंड के दौर की जब हम जाएंगे तो वहां पर ये चीजें बदलती हुई हमें दिखाई देंगी, जिसमें भारत अपनी आदर्शवादी नीतियों को ऐसा नहीं छोड़ देता है, उसे साथ जरूर रखता है, लेकिन उसको रखने के साथ साथ वो क्या हो जाता है, व्यवहारिकता की ओर प्रवेश करता है। और इसके लिए इंदिरा गांधी की जो सरकार आती है वो सबसे बड़े कह सकते हैं एक कठोर निर्णय जो लेने की बात आती है उनके दौर में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आई कि यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें देखें, और एक चीज़ और, भारत की इस पॉलिसी में दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जो ये नीतियाँ हैं, कल मैंने आपको पढ़ाया था सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर। अगर हम देखें कि भारत की ये जो 1947 से 1964 की जो विदेश नीति थी, ये सॉफ्ट पावर पॉलिसी का हिस्सा थी या हार्ड पावर पॉलिसी का? सॉफ्ट पावर थी, किसी के साथ हमने किसी प्रकार के जोर जबरदस्ती या किसी पर आक्रमण तो नहीं किया था इस दौरान, सबके साथ कैसे संबंध रख रहे थे, शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण, है ना, किसी के साथ हमें कोई बात लड़ाई झगड़ा नहीं करना था। लेकिन एक घटना आपको याद होगी, गोवा को भारत में कब मिलाया गया? 61 में। यहां पर हमें ये पॉलिसी चेंज देखने को मिलती है, क्योंकि 1961 में भारत ने पुर्तगालियों को समोसे और चटनी खिलाकर विदा नहीं किया था कि पार्टी बुलाए, टी पार्टी हुई और उसके बाद वो चले गए, लड़ाई हुई थी, भारत ने एक सैन्य अभियान करके पुर्तगालियों को यहां से खदेड़ा था। और हार्ड पावर में हम क्या करते हैं,
सेना का प्रयोग, डराना, धमकाना, युद्ध देना, धमकी करना, ये सारी चीजें हम हार्ड पावर में देखते हैं। और यहाँ पर भारत ने क्या अपनाया? हार्ड पावर पॉलिसी भी अपनाई। अर्थात इस पॉलिसी में हमें ये एक अपवाद देखने को मिलता है 1947 से 64 में। एकमात्र जो अपवाद जहां पर भारत आक्रामक होता है वो सिर्फ हमें यहां पर गोवा को लेकर होता है 1961 में। पुर्तगालियों के विरुद्ध भारत के द्वारा एकमात्र यहां पर सैनिक अभियान किया गया था और इसका बहुत बड़े स्तर विरोध हुआ। विरोध किसने किया था? इन लोगों ने। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो देश थे उन्होंने इसका विरोध किया था। कारण क्या था? क्योंकि उनके जो सिद्धांत कहते हैं वो इसके विपरीत उन्होंने काम किया था। और ये तब जब खुद वो उसका लीडर हो, भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का लीडर था। वहां पर नासिर, टीटो और वहां पर एक और व्यक्ति थे, उन तीनों ने मिलकर यहां पर इस आंदोलन को खड़ा किया था। और वहां पर यदि नासिर, टीटो, नेहरू, तीन लोग थे। तो नासिर, टीटो, नेहरू के द्वारा जो खड़ा किया गया, नेहरू ने यहां पर अपनी ही पॉलिसी को धता बनाते हुए तोड़ते हुए किसी क्षेत्र को अपने अंतर्गत कर लिया था। तो एकमात्र अपवाद भी देखने को मिलता है। तो यहां पर देखिए स्थितियां कैसी थी, स्पष्ट हैं। उसके अनुरूप हमने नीतियां कैसी बनाई, कई सारे समझौते, सम्मेलन किए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश की। गुटबाजी हमने भी की, हम गुटबाजी का विरोध जरूर कर रहे थे लेकिन एक गुटबाजी हमने भी की कि नहीं की। ये क्या था आपका? ये गुटबाजी ही थी जो आपने तृतीय देशों को मिलाकर एक अलग सा गुट वहां पे खड़ा किया। वो अलग बात है, बहुत ज्यादा मान्यता नहीं मिली और गुट निरपेक्षता को लेकर कई सवाल भी खड़े होते हैं। जब हम दूसरी पॉलिसी में आते हैं 1985 तक गुट निरपेक्ष आंदोलन को लेकर कहा, यह भी जाने लगता है कि पूरी तरीके से अप्रासंगिक है। 1990 के दौर में और भी ज्यादा प्रभावी हो जाता है क्योंकि भारत ने एलपीजी रिफॉर्म्स के तहत जिन देशों के साथ शामिल ना होने का एक दौर दिखाया था, आगे चलकर भारत उनके साथ समझौते कर लेता है क्योंकि वहां पर परिस्थितियां उसके लिए बदल जाती हैं। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन को लेकर कई सारे स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं जो विवादित हैं। चलिए तो यहां पर ये हो गया। एक चीज और, हम ये सब पॉलिसी देखते हैं लेकिन इन सब पॉलिसी को निर्धारित करने के पीछे एक चीज आती है, आपका अपना संविधान। अनुच्छेद 51 पढ़ा है आपने? अनुच्छेद 51 किससे रिलेट है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे होने चाहिए, इसको निर्धारित कहां किया गया है? आपके संविधान के अनुच्छेद 51 में वहां पे कुछ बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है कि किसी भी देश के साथ संबंध आपको कैसे स्थापित करने हैं, जहां पर एक दूसरे का सहयोग करना है, शांतिपूर्ण तरीके से रहना है, एक दूसरे के साथ सम्मानजनक और न्यायपूर्ण वहां पर समझौते करने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति पर मध्यस्थों के माध्यम से उसको सुलझाना जाना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति के अधिकार को यदि किसी दूसरे मान लीजिए चला गया है तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय विधि और कानूनों के माध्यम से उसको सुनिश्चित करना चाहिए। ये सारी बातें कहां स्पष्ट की गई हैं? अनुच्छेद 51 में ये भी चीजें आपको स्पष्ट की गई हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अनुरूप आपको व्यवहार कैसे करना है, किसी भी देश के साथ किस प्रकार की संधियां स्थापित करनी है, अपने देश के नागरिकों का या दूसरे देश के नागरिक यदि आपके यहां आकर अपराध करते हैं तो वहां पर किस तरीके के संबंध स्थापित करने हैं, और किन्हीं भी दो देशों के मध्य यदि विवाद की भी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उसको सुलझाया कैसे जाना है, ये सब का सब कहां स्पष्ट किया गया? अनुच्छेद 51। तो यहां पर संविधान निर्धारित करता है, स्थितियां उत्पन्न अलग करती हैं, उसके लिए हमने पॉलिसीज अलग बनाई और कुछ बार या कुछ टाइम पर हमने अपनी पॉलिसीज में यहां पर चेंजेस भी समय अनुरूप वहां पर किए हैं। 1947 से 64 का जो दौर था वो मूलतः यहां पर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे हम अंतर्राष्ट्रवाद कहते हैं, और इसके पीछे जो एक भूमिका है वो आदर्शवाद की। आदर्शवाद क्या कहता है? कि सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, जब जरूरत पड़े तो हेल्प करनी चाहिए। तो ये सारा कुछ क्या है वो हमें यहीं देखने को मिलता है। इन समझौतों के जो बातें हैं अभी पॉइंट आउट कर देते हैं, तो यहां पर वही सब कुछ कहा गया और ये बदल जाएंगी। बदल कब जाएंगी? जब हम यहां पर इसके दूसरे दौर में प्रवेश करते हैं। तो कुछ पॉइंट आउट कर लेते हैं, हेडिंग डालिएगा भारतीय विदेश नीति के विकास के चरण। हो गया, लिखें तो सबसे पहले अच्छा निर्धारक तत्व किसी को तो नहीं लिखना है ना, कि लिखना है वो नहीं नहीं एक मिनट ये वाले नहीं लिखने हैं ना, ठीक है।
बस ये पॉइंट लिख लीजिएगा, बाकी डिटेलिंग के संदर्भ में कुछ एग्जांपल्स हैं वो आप लिख सकते हो, कुछ चीज़ें मैंने कल भी लिखाई थी जो भू राजनीतिक भू संदर्भ में, और बाकी आपके बुक में है। ठीक है, आपको बहुत और भी पढ़ना हो तो जो राजेश मिश्रा की बुक तो सबने ले ली है, तो राजेश मिश्रा की बुक आप ओपन कर लीजिए, उसमें एक पूरा एक चैप्टर है निर्धारक तत्वों को लेकर, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि जरूरत से ज़्यादा उन्होंने बता दिया है, लेकिन अगर आपको लिखना भी हो तो वहाँ पर आप अपने कुछ पॉइंट बना सकते हैं जिसको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत होगी। तो हम आते हैं इस पॉइंट में जो कि हमें लिखना है, यहाँ पे लिखिएगा प्रथम चरण में सबसे पहले डालिएगा स्थिति, प्रथम चरण 1947 से 64 लिख लीजिएगा, और इसमें लिखिएगा स्थितियों में देखिएगा क्या क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, पॉइंट करके लिखते चलिएगा स्थिति में, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत सेकंड पॉइंट, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत वैश्विक स्थितियां, घरेलू आवश्यकताएं, भारत पाक, भारत पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्रों के रूप में स्वतंत्र होना, भारत और पाकिस्तान का दो अलग अलग राष्ट्रों के रूप में स्वतंत्र होना, नेक्स्ट क्षेत्रीय विवाद, नेक्स्ट डालिएगा नीतियां, नीतियां या प्रमुख पहलें, पहला पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत के आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जाना, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत के आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जाना, चीन के साथ पंचशील समझौता, नेक्स्ट चीन के साथ पंचशील समझौता, नेक्स्ट बाडुंग सम्मेलन 1955 के माध्यम से, बाडुंग सम्मेलन 1955 के माध्यम से एफ्रो एशियाई एकता की स्थापना, एफ्रो एशियाई एकता की स्थापना, नेक्स्ट 1961 में गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष देशों का एक सामूहिक गठन, नेक्स्ट परमाणु निशस्त्रीकरण का, परमाणु निशस्त्रीकरण को प्राथमिकता देना,
और नोट डाल के नीचे लिख लीजिएगा। भारत के द्वारा प्रारंभ की गई इन पहलों को ही उसकी आदर्शवादी विदेश नीति की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट डालेगा अनुच्छेद 51। इसमें लिखिएगा भारतीय संविधान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डैश देखिए नीचे पॉइंट में लिखिएगा। पहला, शांति सुरक्षा अभिवृद्धि के प्रयास करना, सेकेंड, न्याय संगत व सम्मानपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना, नेक्स्ट, व्यक्तियों व नागरिकों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधि व संधियों के प्रति आदर व्यक्त करना, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थों के माध्यम से निपटाना, नेक्स्ट डालिएगा पंचशील समझौता। इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, इसमें पहले लिख लीजिएगा भारत और चीन के मध्य 29 अप्रैल 1954 में समझौता हस्ताक्षरित हुआ।
में यहाँ समझौता हस्ताक्षरित हुआ जिसमें 5 सिद्धांत अभिव्यक्त किए गए, जिसमें 5 सिद्धांत अभिव्यक्त किए गए। पहला, एक दूसरे की क्षेत्रीय, हाँ पॉइंट वाइज लिखिएगा, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक सम्मान। दूसरा, पारस्परिक गैर आक्रामकता, पारस्परिक गैर आक्रामकता। नेक्स्ट, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक अहस्तक्षेप, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक अहस्तक्षेप। नेक्स्ट, पारस्परिक लाभ के लिए समानता और सहयोग, पारस्परिक लाभ के लिए समानता और सहयोग। पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। नेक्स्ट डालिएगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या सह अस्तित्व, मतलब साथ साथ दोनों का अस्तित्व बना रहे, और बना कैसा रहे, शांतिपूर्ण तरीके से, अर्थात एक दूसरे को न परेशान करना, न युद्ध करना, न युद्ध की धमकी देना, न फोन कॉल करके डराना रात को, तो ये सब रात को नहीं करना है, ठीक है। तो दोनों लोगों को, वो भी शांति से, आप भी शांति से, आप अपने घर में, वो अपने घर में, वो अपने घर में क्या कर रहे हैं इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, और आप अपने घर में क्या कर रहे हैं उनको भी इससे मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर आप उनके घर में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या पका रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, और जाके बैठ के चाय पे चर्चा करके उसके दिमाग कुछ डाल के आ गया और वो वहाँ विद्रोह कर दिया, तो पकड़ेगा कि आया कौन था, और पता चला आप करके गए तो अगले दिन वो क्या करेगा, वो भी आपके घर आएगा, चाय पे चर्चा करेगा चार लोगों से, वो भी कुछ फूंक के जाएगा आपके यहाँ, फिर जलो तुम भी, वो भी जल रहा है, तो यही होता है। तो भारत और चीन के बीच क्या है, चीन के साथ समस्या तिब्बत को लेकर है, वो उसकी कमजोरनेस है, भारत के लिए कश्मीर है, तो अगर तुम उसको दबाओगे तो वो भी तुम्हें दबाएगा। वो डायरेक्ट नहीं करता है, वो क्या करता है, लद्दाख को बोलेगा मेरा है, जैसे तुम बोलते हो पीओके अब हमारा है, पाकिस्तान उसे नहीं देता है, और इधर वो कहता है, तो वो दो एक चीज़ नहीं मांगता, दोनों मांग लेता है, इधर लद्दाख बोलेगा उधर हिमाचल भी बोलेगा, इधर जाओगे तो उधर चढ़ जाता है, उधर बचाने गए तो इधर आ जाता है। तो ऐसे आदमी से कहते हैं कि दोस्ती भली ना दुश्मनी, इनसे जितना दूर रह सको उतना दूर रहो, तो स्थितियाँ कुछ ऐसी ही हैं। और लेकिन चीन क्या है कि चीन के साथ समस्या ये है कि वो मानता नहीं है, उसको पता है कि भारत के मुकाबले हम मजबूत स्थिति में, किस मामले में, आर्थिक स्थिति में भी अच्छी है, आर्थिक स्थिति में भारत से बहुत अच्छी है, सैनिक मामलों में भी अच्छा है, हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, लेकिन फिर भी भारत से इक्विपमेंट ज़्यादा है, चीज़ें बेहतर हैं उसके पास, सैनिक क्षमता भी अच्छी है उसकी, तो है उससे भी बेटर है, सैन्य क्षमता आपके पास है, उनके पास आपसे ज़्यादा है, आपकी जो टेक्नोलॉजी आप बाहर से खरीद के लाते हो वो अपने स्तर पे विकसित करने में सक्षम है, और ये बहुत बड़ा अंतर है कि आप दूसरों का मुंह देखते रह जाओगे और वो अपने अंदर विकसित करके खड़े हो जाएंगे, तो उस मामले में आप पीछे हो। मैं ये नहीं कह रहा आप बहुत पीछे हैं, आप पीछे नहीं हैं, बहुत पीछे नहीं हैं, लेकिन आप पीछे हैं, सीधी सी बात है। हाँ ये आप, मैंने कहता कि 1962 का जो युद्ध हुआ था उस जैसी स्थिति फिर से होगी, लेकिन हाँ स्थिति होगी तो दोनों को नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, और इसीलिए चाइना यहाँ पे डायरेक्ट इनलज नहीं हो रहा है, विवाद इतने समय से चल रहा है, लेकिन वो क्या है वहीं पे टंगे पड़े हैं दोनों लोग, वो उससे आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि उनको पता है नुकसान हमारा भी है, अब भारत वैसा नहीं है जैसा पहले था,
लेकिन स्थितियां वैसी ही हैं। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए जो पंचशील समझौता है उसमें सह अस्तित्व शांतिपूर्ण तरीके से जरूरी थी। चलिए समझ में आ गई बात, आगे बढ़िए। क्या था? हाँ गुट निरपेक्ष, इसमें लिखिएगा। हाँ हेडिंग यही डालनी है, गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961। सन जरूर लिख लीजिएगा, मैं बार बार इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि कई क्वेश्चन प्री में ऐसे बनते हैं, वो एक तरफ आपको सम्मेलन दे देंगे, संगठन दे देंगे, दूसरी तरफ कब स्थापित हुए थे, कब सम्मेलन हुए, वो सन दे देते हैं, तो वहाँ पे पता होना चाहिए, इसलिए बार बार मैं सन जरूर लिखा रहा हूँ। इसको सब लोग लिख लीजिएगा, कोई छोड़ेगा नहीं। इसमें लिखिएगा 1955 में, 1961 में नैम बना था, 1955 में पहले एक बॉडी सम्मेलन हुआ, उसी के थ्रू 1961 में ये जनरेट होता है। तो हाँ बना है 1961 में। इसमें लिखा 1955 में बार्डुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन, बार्डुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन के 6 वर्ष पश्चात, के 6 वर्ष पश्चात 1 से 6 सितंबर 1961 बेलग्रेड 1961 में बेलग्रेड में प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित होता है। जिसमें गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के आंदोलन की ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट की स्थापना हुई। नेक्स्ट, नैम की स्थापना में नासिर, टीटो और नेहरू, नेक्स्ट पॉइंट, नैम की स्थापना में नासिर, टीटो और नेहरू नासिर मिस्र के शासनाध्यक्ष थे, भारत के नेहरू और यूगोस्लाविया के टीटो, ये तीनों लोगों ने मतलब एक प्रमुख लीडर के तौर पर सब लोगों को सम्मिलित करा और नैम की स्थापना की। नासिर, टीटो और नेहरू ने नैम की स्थापना की। नेक्स्ट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्राथमिक उद्देश्य या सिद्धांत इस प्रकार हैं। प्राथमिक उद्देश्य या सिद्धांत इस प्रकार हैं, पहला आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, तथा राज्यों की संप्रभुता, एवं क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन, नेक्स्ट, रंगभेद नीति का विरोध, नेक्स्ट, बहुपक्षीय सैन्य समझौतों की अवमानना, तथा गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की स्वतंत्रता,
नेक्स्ट, साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष। साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष। नेक्स्ट, उपनिवेशवाद। नव उपनिवेशवाद। विदेशी अधिग्रहण। नव उपनिवेशवाद, विदेशी अधिग्रहण तथा प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष तथा प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष। नेक्स्ट, हथियारों एवं परमाणु का निशस्त्रीकरण। हथियारों एवं परमाणु का निशस्त्रीकरण। नेक्स्ट, देशों के आंतरिक मामलों में, देशों के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बनाए रखना, अहस्तक्षेप की नीति व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बनाए रखना। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल के उपयोग या उपयोग की चेतावनी को अस्वीकार करना, या उपयोग की चेतावनी को अस्वीकार करना। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का सशक्तिकरण। संयुक्त राष्ट्र का सशक्तिकरण। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का लोकतांत्रिकरण। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का लोकतांत्रिकरण। नेक्स्ट, सामाजिक आर्थिक विकास। सामाजिक आर्थिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली का पुनर्गठन। तो इसे नीचे एक पॉइंट नोट डाल के लिख लीजिएगा। इन सिद्धांतों को बाडुंग के 10 सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इन सिद्धांतों को बाडुंग के 10 सिद्धांत, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, बाडुंग के 10 सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपने कुछ अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीयवाद को लेकर जो यहाँ पर नैम में जितनी सारी बातें कही गई और जितनी आदर्शवाद की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं इन दोनों ही सम्मेलन समझौतों में, भारत का संविधान जो अनुच्छेद 51 भी कहता है, वो सब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक आदर्शवाद की स्थिति कैसी होगी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे बनेंगे, तो इसलिए वो जो बातें कही गई हैं अंतर्राष्ट्रीयवाद को लेकर, ये दो चीज़ें आपके साफ साफ दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर। तो नीचे हेडिंग डालिएगा चुनौतियाँ। इस दौरान जो इस समयकाल में चुनौतियाँ थीं, एक चुनौती लिखिएगा ना कश्मीर विवाद। कश्मीर विवाद 1949 की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा लिखिएगा भारत चीन युद्ध 1962।
भारत चीन युद्ध 1962 और चीन का परमाणु परीक्षण 1964 चीन का परमाणु परीक्षण 1964 तो यहां पर अगर हम देखें तो मूलतः जो मुद्दे थे क्षेत्रीय अशांत स्थिति उसके दो पड़ोसी देशों के साथ उसके जो संबंध कह सकते हैं उसके दो जो बड़े पड़ोसी देश हैं उन दोनों के साथ उसके संबंध कैसे थे इस दौर में खराब हो गए। एक का शुरुआत से ही खराब था और एक इस दौर के अंत होते होते दूसरे के साथ भी हमारे संबंध क्या हो गए खराब हो चुके थे। और यहाँ पर ये दोनों चुनौतियाँ आपके समक्ष आ गई, नीतियाँ हमारी कैसी थी स्थिति कैसी थी। एक चीज़ और लिखिएगा यहाँ पर एक हार्ड पावर पॉलिसी का भी एक एग्जाम्पल इनको लिख लीजिएगा इसी दौरान कि गोवा की स्वतंत्रता भारत के द्वारा सैन्य अभियान हार्ड पावर लिख लीजिएगा हेडिंग चाहे डाल लीजिएगा या नोट डाल के लिख लीजिएगा या हाँ इसी दौर में इसमें लिखिएगा भारत के इस दौर की विदेश नीति में एकमात्र अपवाद भारत के इस दौर की विदेश नीति में एकमात्र अपवाद भारत के द्वारा गोवा को भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध सैन्य अभियान किया गया सैन्य अभियान था। जिसे विदेश नीति में हार्ड पावर पॉलिसी का हिस्सा माना जाता है एक नई कहानी शुरू होती है और ये कहानी पहले से ज़्यादा रोमांचक है, पहले से ज़्यादा परिवर्तनकारी है और पहले से ज़्यादा स्थायित्वकारी है। कारण था क्योंकि परिस्थितियाँ बदली थीं और जो पहले दौर की कहानी जहाँ समाप्त होती है ये कहानी वहीं से शुरू होती है। लेकिन ऊहापोह की स्थिति कुछ अंश हैं इस कहानी के जो कि पिछले से जुड़ जाते हैं। 1962 में हमने देखा कि भारत का चीन के साथ युद्ध होना और 1964 में चीन का परमाणु परीक्षण करना। 1964 में ही भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाना और उसके कारण राजनीतिक स्तर पर परिवर्तन का होना, ये कुछ बहुत बड़े घटनाक्रम थे। क्योंकि यहाँ पर नेहरू की जो पॉलिसीज थी उसमें एक सेटबैक था कि आपको आप सिर्फ यदि शांतिपूर्ण तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकता, ये तो वहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया था। अर्थात आपको शांति के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं सैन्य स्तर पर भी मजबूत होना चाहिए और यहाँ पर एक बदलाव आता है। बदलाव की स्थितियाँ देखिए तो इसे हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे परिवर्तनकारी स्थितियाँ अर्थात बदला क्यों। आदर्शवाद की जो स्थिति थी हमने उसे छोड़ा तो पूरी तरह से यहाँ पे नहीं छोड़ा था, यथार्थवाद अपनाया जरूर था लेकिन आदर्शवाद नहीं छोड़ा था। सबसे पहली चीज़ जो बदलने के बाद दिखाई देती है, पहले जो निर्णय लिया गया था 1962 के युद्ध के पूर्व कि भारत के सैनिकों का वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा उनकी संख्या में ना वृद्धि करने वाले थे ना ही भारतीय सैनिकों के आधुनिकीकरण पर काम किया जाना था।
लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है और उसके बाद भारतीय सैनिकों का और सैनिक सामानों का यहाँ पर आधुनिकीकरण का निर्णय ले लिया गया। यहाँ पर 10 लाख नए सैनिक और ऐसे 100 से ज़्यादा डिवीज़न सैनिकों के अलग अलग सेक्टर में यहाँ पर विकसित करने की बात की गई, भर्तियाँ बड़े स्तर पर चालू की गई। न सिर्फ सैन्य के यहाँ पर स्थलीय से आपकी सेना को लेकर, स्थल सेना को लेकर, बल्कि वायु सेना को लेकर भी यहाँ पर एक बहुत बड़े स्तर पर हमें परिवर्तन देखने को मिलता है और ये बहुत बड़ा शिफ्ट था। कहीं ना कहीं भारत अपने आप को सॉफ्ट पावर के साथ साथ हार्ड पावर पॉलिसी पर आ चुका था। ये एक बड़ा शिफ्ट था जो उसकी हार्ड पावर पॉलिसी को लेकर भारत कहीं ना कहीं अपने आप को विकसित करने की ओर बढ़ता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है, दूसरी चीज़ यहाँ पर भारत जिस तरीके से अपने आप को सैन्य के आधुनिकीकरण की तरफ लेकर जाता है, वहाँ पर एक और चुनौती निकल कर आती है। कुछ ही समय के पश्चात पाकिस्तान भी भारत के साथ युद्ध करता है और ये अपने आप में, क्योंकि भारत चीन से हार चुका था, कश्मीर के साथ विवाद की स्थिति भारत की पहले से चली आ रही थी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये लगा कि भारत कमज़ोर है, नेहरू जा चुके हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शायद उन्हें वो सहयोग ना मिले जो कि नेहरू के कारण मिल सकता था, और वहाँ पर इसी का लाभ उठाते हुए चीन के साथ यहाँ पर एक समझौता करता है पाकिस्तान। पाक और चाइना आपस में मिलते हैं और भारत के विरुद्ध यहाँ पर एक युद्ध होता है। पाकिस्तान यहाँ पर डायरेक्ट लड़ रहा होता है लेकिन चाइना यहाँ पर उसको पीछे से सपोर्ट करता है, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पर चाइना पक्ष में नहीं आता है। इस दौरान एक चीज़ और होती है, इस दौरान ये होता है कि जो अमेरिका था, अमेरिका इस दौरान की जो पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं भारत के साथ चीन के जो युद्ध हुआ था उसके बाद भारत और अमेरिका के जो संबंध थे वो धीरे धीरे विकसित होना शुरू ज़रूर हुए थे, लेकिन उसी दौरान आपको याद है तो वियतनाम में युद्ध छिड़ जाता है जहाँ पर अमेरिका को एक बहुत बड़ा सेटबैक मिलता है, वहाँ पर उसको हार का सामना करना पड़ता है और उसके कारण वहाँ पर वो एशिया की अपनी पॉलिसी से पीछे हट जाता है, अर्थात एशिया को क्या कर देता है, वैकेंट छोड़ देता है कुछ समय के लिए। और यहां पर यूएसए के हटने से पाकिस्तान को एक नया सहारा चाहिए था और वो नया सहारा कौन कहां मिल जाता है, चाइना। भारत के लिए एक खतरा था, भारत के लिए खतरा क्यों था, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के पक्ष में नहीं, एक दूसरे के साथ नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान को जो सहयोग मिल रहा था वो यूएसए के कारण मिल रहा था। यूएसए और पाकिस्तान ऑलरेडी कुछ ग्रुप के सदस्य थे जिसमें आपका सेंटो और सीएटो जैसे ग्रुप ऑलरेडी बने हुए थे। ये ऐसे ग्रुप थे, एग्जांपल ग्रुप में आपको समझाने, इनकी अब वर्तमान समय में कोई प्रासंगिकता नहीं है तो इनकी डिटेलिंग पे नहीं जाते हैं। समझने के संदर्भ में नाटो आपको पता है, नाटो क्या है, एक सैन्य संगठन है जो कि उस ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं अगर उन पर किसी बाहरी देश ने हमला करते हैं तो सभी संयुक्त रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे ही ग्रुप बनाए गए थे जो कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को लेकर थे। इसमें भारत इनमें से किसी का सदस्य नहीं था लेकिन पाकिस्तान था। इससे पाकिस्तान को दो फायदे थे, एक तो फायदा ये था कि यहाँ पर उसके सैन्य सामानों का आधुनिकीकरण, सैन्य हथियारों की आपूर्ति का होना और ऐसी स्थिति में भारत को वहाँ पर भारत के विरुद्ध भी उसको सहयोग मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर उसके लिए समस्या तब हो गई जब यूएसए इस क्षेत्र को छोड़ के चला गया और यूएसए के चले जाने से वो अकेला पड़ गया। लेकिन अकेला पड़ने के साथ साथ उसको एक नया मित्र मिला। कहते हैं ना, जब कोई हाथ छोड़ता है तो कोई सामने के लिए भी होता है, तभी आदमी किसी दूसरे की ओर देखता है और पाकिस्तान के साथ यही हुआ। पाकिस्तान ने एक नए दृष्टिकोण से चाइना की तरफ देखा, वो जीत चुका था ऑलरेडी, भारत को बड़े स्तर पर बहुत बुरी तरह उसने हराया था और इसके कारण कहीं ना कहीं ये था कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर भारत को एक बार पटकनी दे सकता है और कश्मीर को अपने क्षेत्र में मिला लेगा। लेकिन यहाँ पर भारत भी को एक कह सकते हैं चीन के बाद युद्ध होने के बाद उसको भी समझ में आ गया था कि चीज़ें ऐसे नहीं चल सकती हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, चीन के साथ ख़राब हो गए और हमने अपने सैनिक क्षमता को बेहतर करना होगा और इसी का फ़ायदा उठाया। भारत ने अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ाया और यहाँ पर इस युद्ध में उसका फ़ायदा देखने को मिलता है। भारत ने बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर चीज़ें परिलक्षित हो जाती हैं, भारत आसानी से यहाँ पर अपने कह सकते हैं कश्मीर को भी बचाता है, LOC को वहाँ पर सुनिश्चित करता है और चीज़ों को पाकिस्तान अपने क्षेत्र में, भारत अपने स्तर पर रह जाता है। ये तो हुआ कि हाँ चलिए सैन्य का आधुनिकीकरण, भारत पाकिस्तान युद्ध हो चुका है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें होने के दौरान यूएसए का यहाँ से पीछे हट जाना, चाइना पाकिस्तान की दोस्ती हो जाना, ये सब कुछ परिवर्तनकारी स्थितियाँ थी। भारतीय विदेश नीति में इस चीज़ों को नए सिरे से आपको देखना ज़रूरी था। इस दौरान एक चीज़ और निकल के आती है, भारत ने जो लगातार एक स्थिति अब उत्पन्न की थी ये तो सैन्य आधुनिकीकरण और युद्ध को लेकर था। एक कहानी हमने शुरू की थी 1964 में चीन का परमाणु परीक्षण। इस कहानी में भी भारत ने यू टर्न ले ली,
कहानी ये भारत ने शुरू की थी। अभी हमने आपको दो चीज पढ़ाई, एक नैम पढ़ाया था। नैम में क्या बोला गया कि हमें परमाणु निःशस्त्रीकरण की ओर आगे बढ़ना है, लेकिन और उसको लेकर भारत ने प्रारंभिक तौर में 1952 की स्थिति में भारत ने सबसे पहले 1952 में इंडिया और आयरलैंड दोनों लोगों ने मिलकर के यहाँ पर परमाणु निःशस्त्रीकरण का जो पहले प्रस्तावक है वो भी इंडिया था। इसको लेकर 1963 में एक आती है पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, इस पर भारत ने ऑलरेडी हस्ताक्षर भी कर दिया था। और उसके बाद जब 1968 में एनपीटी आता है तो भारत इसमें हस्ताक्षर करने से मना कर देता है। कारण क्या था? कारण था कि इस संधि में जो बातें कही गई उसमें दो चीजें भारत के लिए सही नहीं थी। पहला, जिसमें पहला एक रूल स्थापित किया गया था कि एक तरीके से आपकी जो संप्रभुता है वो संप्रभुता इस संधि में साइन होने के पश्चात एक तरीके से देखा जाए तो चली गई, क्योंकि वहां पर जो निर्णय लिया जाना था वो एक संगठन के रूप में दूसरे देशों के पास ही अधिकार था कि आप किस प्रकार के कार्य करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। कोई भी कभी भी आके आपके परमाणु हथियारों और क्षेत्रों का परीक्षण कर सकता था, निरीक्षण कर सकता था, प्रतिबंधित कर सकता था। तो ये निर्णय जो कि आपके देश का शासनाध्यक्ष को लेना चाहिए वो कोई और अगर लेगा तो आपकी संप्रभुता समाप्त हो गई। तो भारत ने सबसे पहले इस आधार पर इसका विरोध किया। दूसरा विरोध इसमें इस आधार पर भी किया गया क्योंकि ऑलरेडी ये संधि कब आई है, 1968 में, और चाइना ने कब परीक्षण कर लिया था, 1964 में कर लिया था। उसके अलावा यहां पर पाक की चीन से दोस्ती हो चुकी थी, तो एक ये भी समस्या थी कि चीन इनको भी क्या दे सकता है, ये सारे जो भी यहां पर डेवलपमेंट किए थे वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करा सकता है। और ऐसे स्तर पर यदि आपके दो पड़ोसी देश जिनके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है और वो परमाणु शक्ति संपन्न बन जाते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपका भी परमाणु शक्ति संपन्न बनना। और भारत ने इस आधार पर भी कहा कि आपके जो एनपीटी के नियम हैं वो सीधे सीधे किसी भी देश को परमाणु शक्ति संबंधित परीक्षण करने से भी प्रतिबंधित कर देता है, तो आप हमारे परमाणु कार्यक्रमों को भी प्रतिबंधित कर देंगे और इस कारण से भी हम अपनी राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के संदर्भ से भी एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं करें। तो एक बहुत बड़ा यू टर्न था, एक ऐसा देश जिसने इसकी शुरुआत की परमाणु निःशस्त्रीकरण की, जिस जो पहले प्रस्तावकों में था उसने जब इसकी संधि बनती है तो वहां पर उसे साइन करने से मना कर देता है। और ये पूरा इसे कहते हैं कि आपका नॉर्थ से साउथ पोल की ओर चले जाना, जहां एक तरफ आप इसके पहले प्रस्तावक से वहां से पूरा आप डाइवर्ट हो जाते हैं कि हम ऐसी चीजों को साइन नहीं करेंगे, और आज तक भारत ने इसको साइन नहीं किया है। तो यहां पर आगे चल के इसका भी असर देखने को मिलता है जब भारत ने 1974 में अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया। भारत ने अपने आप को यह बता दिया कि हम भी एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने की ओर हैं, और यहां पर इसके लिए हमने यहां पर परमाणु परीक्षण कर दिया 1974। शासनकाल किसका था, इंदिरा गांधी का। तो यहां पर क्षेत्र अपनी राजनीतिक स्तर पर भी यहाँ पे परिवर्तन, एक लेडी के हाथ में वहां पर आपकी शासनकाल आती है, और वो ऐसी लेडी जो कि बहुत सारे कह सकते हैं कि भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था से उसको पीछे छोड़ते हुए एक नई पराकाष्ठा को वहां लेकर आती है, लेकिन कहीं से भी कमजोर दिखाई नहीं देती है। ये अपने आप को नारी शक्ति के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित करती हैं, और क्षेत्रीय स्तर पर भी भारत से गरीबी को दूर करने को लेकर, बेरोजगारी को वहाँ पे दूर करने को लेकर क्षेत्रीय स्तर पंचवर्षीय योजनाओं में भी चीज़ों को वहाँ पे काम करती हैं। समावेशी विकास जैसे दृष्टिकोणों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो दो चीज़ें, एक तो आपको सैन्य आधुनिकीकरण और परमाणु परीक्षण दोनों की घटना यहाँ पर संपन्न हो चुकी थी। कुछ और चीज़ें आती हैं, चीज़ें यहाँ पर भारत ने ये तो कर लिया, लेकिन अगर हम देखें तो भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया, पहला 1974 में, और दूसरा कब किया, इतने लंबे समय अंतराल के पश्चात क्यों, ऐसे क्या रीजन थे कि भारत को इतने साल लग गए अपने आप के दूसरे परमाणु परीक्षण की ओर जाने को लेकर। बहुत लंबा समय है कि नहीं, 24 साल बहुत लंबा समय है। तो घटनाएं ऐसी कुछ हुई कि भारत को सब कुछ होने के बावजूद भारत उधर नहीं जा सका। कुछ चीजें क्या हुई, इसी दौरान अरब इजराइल संघर्ष हो गया। इसके अतिरिक्त खाड़ी में एक बार फिर से यहां पर खाड़ी में तेल संकट उत्पन्न हो गया। भारत के लिए यहां पर आर्थिक मंदी की स्थिति आ गई,
और इनको करने के लिए क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए, तकनीकी चाहिए, आधुनिकीकरण चाहिए, जो कि आपके पास नहीं था। एक और चीज़, 1964 से लेकर के अगर हम देखें 1965 1966 का जो दौर है, वो भी अगर एक भारत ने युद्ध झेले और भारत ने यहाँ पर सूखा भी झेला है, दो बड़े जो सूखे आते हैं लगातार, दो बैक टू बैक वर्ष भारत 2065 66 66 67 यहाँ पर झेलता है, जिस कारण सामाजिक और आर्थिक दोनों स्थिति बहुत बड़े स्तर पर टूट जाती हैं। और यहाँ पर उसके बाद फिर एक और समस्या उत्पन्न होती है राजनीतिक अस्थिरता की। ये आगे चलकर 1970 तक आते आते भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर आता है और जनता पार्टी की सरकार आती है। सरकार आती है, एक चीज़ आपको पता है, सरकार आने से नीतियाँ बदल जाती हैं, नीतियाँ बदल जाती हैं, क्योंकि मेरे सोचने की शैली जैसी है वो हो सकता है इनके सोचने की शैली ना हो, मेरी जो विचारधाराएं हैं सामने दूसरी जो पार्टी है उसकी विचारधाराओं से अलग हो सकती है, और यही देखने को मिला। जहां पर इंदिरा गांधी की जहां पर सरकार को अगर हम देखें, जिस तरीके से उन्होंने कुछ आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और भारत को मजबूत दिखाने के संबंधी वहां पर कुछ निर्णय लिए गए, वहीं आगे के जो युद्ध होते हैं, एक और चीज़ यहां पर आपको इस इनके बारे में 1977 पे हम एंटर करने से पहले घटना और होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, 1971, ये दौर बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों था? क्योंकि यहाँ पर पहली बार एक नए राष्ट्र का उदय होता है, बांग्लादेश का। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं, एक बार की जो स्थिति यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान का एक बार फिर से भारत के साथ युद्ध हो जाता है, और युद्ध की घटना बहुत पीछे से है। पीछे यहाँ पर ये डायरेक्ट इस बार का युद्ध नहीं हुआ होता है, कश्मीर को यहाँ पर मेन मुद्दा नहीं बनाया होता, ये घटना उससे एक साल दो साल पुरानी थी। घटना शुरू हुई थी जब पाकिस्तान के आम चुनाव शुरू हुए थे, पाकिस्तान का आम चुनाव हुआ था और वहाँ पर जो पार्टी जीत के आई थी वो आवामी लीग जीत कर आई थी, जो कि आपकी बांग्लादेश की पार्टी, जो इस समय आपकी उस समय के जो नेता थे मुजीबुर रहमान, उनकी पार्टी वहाँ पर जीती थी और वो आपके राष्ट्रपति बनने वाले थे। लेकिन उसी समय पाकिस्तान की जो सियासत थी यहाँ पर आपकी, वो आपका कह सकें जो पश्चिमी पाकिस्तान था, वो इसको मानने को तैयार नहीं था। कारण, दोनों मुस्लिम ज़रूर थे लेकिन वो इसे काफिर कहते थे जो कि बांग्लादेश में थे। दूसरा, भाषा वहाँ पर लोग उर्दू और पंजाबी बोलते थे, ये लोग बंगाली बोलते थे, और इस कारण से वो उन्हें ये मानना नहीं था कि एक बंगाली जो होता है वो आकर हम पर यहाँ पे शासन करे, हम उनकी नीतियों को नहीं मानेंगे। और इसी को आधार बनाकर वहाँ पर एक दमन चक्र चलाया गया, और उस दमन चक्र में वहाँ पर बड़े स्तर पर वहाँ पर लोगों को जब दबाया जाने लगा, मारा जाने लगा, तो उनकी जो कह सकते हैं कि जो बंगाली लोग थे, उनकी जो पार्टियाँ थीं, वो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में प्रवेश करने लगे। भारत के लिए समस्या थी, भारत के लिए समस्या थी शरणार्थियों की, क्योंकि वहाँ से बड़े स्तर पर लोग प्रवेश कर रहे थे भारत में, और इस दौर में इनको एक बहुत ही कठोर निर्णय लेना था। निर्णय ये लेना था कि किस तरीके से यहाँ पर ये समस्या को रोका जाए। इसके लिए भारत ने अपनी सेना को पश्चिम बंगाल में लगाया, और जैसे ही वहाँ पर मुक्तवाहिनी जो सेना उनकी थी, जो कि कह सकते हैं अपनी स्वतंत्रता सेनानी एक तरीके से बांग्लादेश के लिए थे वो, तो मुक्तवाहिनी सेना का सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर भारतीय सेना प्रवेश करती है और पाकिस्तानियों को वहाँ पर हराती है, और इसी का परिणाम था 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध परिणत होता है। वही लोग फिर बाद में इधर से हमला करते हैं पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर और पंजाब के क्षेत्रों पर, और आगे चलकर एक बड़ा युद्ध होता है। उसी ये सारी जो घटनाएं हुई वहाँ पर, एक चीज़ जो आज दलास जो निर्णय निकल के आया, भारत यहाँ पर पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह हराता है। एक चीज़ और यहाँ पर देखने को मिली, दो चीज़ें यहाँ निकल कर आती हैं इस घटना में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बदलती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो बड़े ध्रुव थे, जो हम कह सकते हैं शीत युद्ध का जो दौर था यहाँ पर खुल के सामने आ जाता है। खुल के सामने इसलिए आ जाता है क्योंकि यहाँ पर एक तरफ पाकिस्तान था, एक तरफ इंडिया था, और एक तरफ यहाँ पर यूएसए आ जाता है, चाइना आ जाता है, वहीं एक तरफ यहाँ पर आपका यूएसएसआर खुलकर सामने आ जाता है। ये पहला दौर था जहाँ पर यह साफ साफ देखने को मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो जो धड़े हैं वो यहाँ पर क्षेत्रीय स्तर पर दक्षिण एशिया में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे का काउंटर कर देते हैं। इसी कारण ये दोनों यहाँ पीछे हट जाते हैं और एट द लास्ट ये दोनों आमने सामने लड़ते हैं, जिसमें भारत इसको बुरी तरह से हरा कर एक समझौता करता है। कौन सा? ताशकंद समझौता कि शिमला समझौता? दो समझौते हुए हैं, एक समझौता हुआ था 1965 के बाद और एक समझौता हुआ था 1971 के युद्ध के बाद, और उन दोनों समझौतों के एक का नाम था ताशकंद समझौता और एक का नाम था शिमला समझौता। 65 वाला जो था उसके बाद 1966 में ताशकंद समझौता हुआ है,
और 1971 के बाद 1972 में आपका शिमला समझौता हुआ। ये दोनों ही समझौते इसके दौरान भारत से 1971 में एक समझौता हुआ था इंडिया और यूएसएसआर के बीच, जिसमें भारत सोवियत संघ शांति सुरक्षा समझौता का कहा गया, और उसी समझौते कारण यूएसए को फिर से पीछे हटना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी यूएसए ने अपनी एक फ्लीट जहाजी बेड़े की भारत के विरुद्ध बंगाल की खाड़ी में भेज दी थी। और उसी दौरान जब वहाँ पर ये सूचना आई तो यूएसएसआर के बाद भारत ने समझौता किया, क्योंकि यूएसएसआर की जो टीम आपका यूएसए की जो टीम थी आने में उसको ज़्यादा समय लगता, और उसी दौरान समझौता करके यहाँ पर जैसे ही उनको ये सूचना मिली तो उधर से यूएसएसआर ने अपनी एक फ्लीट काउंटर करने के लिए यूएसए को भेज, जैसे ये सूचना यूएसए के पास पहुँचती है वो अपनी फ्लीट को रोक देते हैं, यूएसएसआर भी उसे को वहीं रोक देते हैं, और ये दोनों के युद्ध में फिर भारत जीत जाता है। जीतने के बाद समझौता होता है पाकिस्तान के सारे, फिर से यहाँ पर जो नीति दिखाई दी फिर से यहाँ पर आदर्शवादी यथार्थवादिता को अपनाने के बावजूद भारत ने आदर्शवाद यहाँ भी नहीं छोड़ा था। कारण क्या था, भारत ने जितने भी पाकिस्तानियों को पकड़ा था सबको छोड़ दिया, युद्धबंदियों को नहीं रखा था अपने पास, और यहाँ तक कि भारत ने अपने जीते हुए क्षेत्रों को भी वहाँ पर बाहर कर दिया। फिर एक चीज़ भारत को सिर्फ वहाँ पर मिलती है कि वो बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में सफल हो जाता है। और अगर हम दूर की अगर हम वर्तमान समय की स्थितियों में देखें तो ये बहुत अच्छा हुआ कि बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में उदय हो गया, क्योंकि उसके बाद से हमारे जो संबंध है हमें सिर्फ एक ही तरफ ध्यान देना था, किसकी तरफ, सिर्फ अब पाकिस्तान की तरफ ध्यान देना था, दोनों तरफ हमारी जो लड़ाई थी वो अब एक ओर आ गई और हम यहाँ पर अब ज़्यादा प्रभावशाली हो गए थे। तो ये चीज़ें जो भारत तीन तरफ से घिर चुका था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, चाइना, वो धीरे धीरे आपको सिमटता हुआ एक पक्षी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। ये घटनाक्रम बहुत तेज़ी से 1970 और 80 के लास्ट के दशक में आ जाते हैं, ठीक है। तो 1962-64 से हम 1977 तक की स्थिति, हम कितनी सारी घटनाक्रम आपकी हो गई। 1977 में कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें सबसे प्रमुख जो घटना थी, एक तो यहाँ पर आपको जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी हैं वो आपके विदेश मंत्री बनते हैं जनता सरकार की इस पार्टी में, मोरारजी देसाई को सरकार अपनी गठित करते हैं, और यहाँ पर विदेश मंत्री के तौर पर ये चीन की यात्रा पर जाते हैं, और चीन की अपनी इस यात्रा में वो बहुत कुछ तो हासिल नहीं करते हैं, लेकिन हाँ एक जो बातचीत के जो अवसर थे जो बंद पड़े हुए थे वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाते हैं, और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि चीन भी अपनी पॉलिसीज़ में तब तक परिवर्तन लेकर आता है और वो अपने आप को एक नए सिरे से स्थापित करने की कोशिश करता है, अपने पड़ोसी देशों को लेकर उसने पॉलिसीज़ बदली होती है जिसमें भारत को भी वो बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देने की कोशिश करता है, वो आगे चलकर बड़े स्तर पर परिलक्षित होती है, लेकिन इस दौर में यहाँ पर ये चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। ये चीज़ें आगे चलकर हम यहाँ पर और भी ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं रखते हैं। 1970 के इस दशक की समाप्ति के पश्चात 1980 के दशक में आते आते हम यहाँ पर एक और परिवर्तन देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं कि सरकार फिर से बदल जाती है, सरकार बदलती है और इंदिरा गांधी आती हैं, उनकी वहाँ पर फिर हत्या कर दी जाती है और राजीव गांधी सरकार बनकर आते हैं। राजीव गांधी के दौर में दो तीन चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, एक तो भारत और यूएसए के संबंधों का विकसित होना, भारत यूएसए के संबंधों के विकसित होने के, आपके जो जिमी कार्टर थे आपके राष्ट्रपति थे उस समय और वो भारत की यात्रा पर आते हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं स्टेटमेंट था, क्योंकि अमेरिका कभी भी भारत के संदर्भ में 1980-90 के दशक तक कभी नहीं था, लेकिन जब ये अमेरिकी राष्ट्रपति का ये दौरा आता है तो उस दौरान ये चीज़ें बहुत बदलती हैं, क्योंकि भारत को एक नए सिरे से नए संबंधों की ओर देखा जाने लगा। इसके बाद एक चीज़ और देखने को मिलती है कि भारतीय प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री के तौर पे गए थे लेकिन कोई प्रधानमंत्री आफ्टर नेहरू राजीव गांधी चीन की यात्रा पर चले जाते हैं। इसके अलावा ये दो सेटबैक, ये दो चीज़ें होती हैं अच्छी होती हैं, जहां पर ये दिखाई देता है कि भारत अपने आप को जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति है उसके तहत अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर इस पॉलिसी में जो यथार्थवाद की इस विदेश नीति में हमें देखने को मिलता है कि राजनीतिक स्तर पर भी चीज़ें बदलती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर संबंधों में बदलाव देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ ये जो 1970 के दशक से 1980 और 90 के दशक आते आते यूएसए भी हमारे साथ एक बेहतर संबंधों को देखने की ओर कोशिश करता है, लेकिन इसके एट द लास्ट अर्थात कि 1985 से 1991 का सबसे नाटकीय दौर इसका कहा जाता है। कारण क्या था, क्योंकि इस घटनाक्रम में बहुत सारी चीज़ें बहुत एक साथ हो जाती हैं। 1980 से 90 का दशक ले लेते हैं, इस देखिए यहाँ क्या 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 होता है, यहाँ पर खाड़ी युद्ध हो जाता है, यूएसएसआर का अफगानिस्तान पर हमला, अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा और राजीव गांधी की चीन यात्रा।
इसके अलावा दो बड़े राजनीतिक घटनाक्रम जो भारत के लिए सेटबैक थे वो थे राजीव गांधी और इंदिरा गांधी दोनों की हत्या हो जाना। दो बड़े नेताओं की हमारे यहाँ हत्या का हो जाना। इसके बाद कुछ और चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। खाड़ी युद्ध के कारण आपके सामने एक समस्या उत्पन्न होती है जिसको आप भुगतान संतुलन के नाम से जानते हैं। और 1991 और 90 और 91 का जो दौर आता है वहां से चीजें बदल जाती हैं जब यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। तो ये जो घटनाक्रम है ये सबसे ज्यादा नाटकीय था, ये जो घटनाक्रम है, क्योंकि यहां पर आपको बहुत बड़े परिवर्तन देखने को। 1960 से 80 के दशक में जो चीजें हुई उतनी सारी चीजें जो होती हैं बहुत ही कम समय में हो जाती हैं। एक तरफ ये देखिए, खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं, भारत के सामने भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न खड़ी हो जाती है और भारत को IMF से उधार लेना पड़ता है और LPG सुधार आता है और LPG के सुधार का जो इफेक्ट दिखता है वो विदेश नीति के तीसरे चरण में दिखाई देता है। USSR ऑलरेडी यहाँ पर अफगानिस्तान पर एक हमला करता है और यहाँ से भारत के लिए क्षेत्रीय स्तर की अस्थिरता उत्पन्न होती है। अफगानिस्तान के इस पर हमला कर देने से USSR भारत के साथ संबंध अच्छे थे लेकिन भारत यहाँ पर इसका एक विरोध करता है। दूसरी तरफ USSR को काउंटर करने के लिए USA ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को अच्छा करने की कोशिश की और इसके तहत यहाँ पर इनकी सेना को आर्थिक भी सहायता दी और सैन्य साजो सामान दिए, सैनिक कह सकते हैं अत्याधुनिक तकनीकों को भी यहाँ पर इनको प्रोवाइड किया जिस कारण पाकिस्तान यहाँ पर पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। दूसरा, क्षेत्रीय स्तर पर इनकी प्राथमिकता दक्षिण एशिया क्षेत्रों में बढ़ जाती है क्योंकि USA इनको प्राथमिकता देना शुरू कर देता है अफगानिस्तान के क्षेत्रों, मध्य एशिया और साथ साथ अरब सागर के क्षेत्रों में। इसके अतिरिक्त इसी दौरान भारत और USA के संबंधों को बेहतर करने की कोशिश जरूर की जाती है लेकिन यहाँ पर इस घटना के कारण ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती हैं, लेकिन हाँ ये भी चीज़ें यहाँ पर डेवलप जरूर होती हैं। चीन के साथ संबंधों में एक नया उभार देखने को मिलता है क्योंकि चीन ने अपनी पॉलिसी में एक पॉलिसी लेकर आते हैं जिसे कहते हैं हम चीन का शांतिपूर्ण उदय का सिद्धांत। ये पॉलिसी बहुत विशेष है चीन के लिए, इसके बारे में जब भारत चाइना पढ़ेंगे तब देखेंगे। राजनीतिक स्तर पर एक विक्षोभ की स्थिति आती है और जिससे भारत जो होते हैं उभरने में बहुत ज़्यादा समय ले लेता है। इसके बाद कि 1990 के दशक के बाद जितने हम घटनाक्रम पढ़ेंगे उसमें एक सबसे कमज़ोर जो कड़ी रहती है वो भारत की राजनीतिक अस्थिरता, लेकिन जो निर्णय लिए गए वो विदेश नीति के संदर्भ में बहुत ज़्यादा प्रभावकारी रहेंगे। और एट द लास्ट इसके विघटन ने आगे की विदेश नीति में जो शीत युद्ध का दौर था उसको समाप्त कर देता है विघटन और एक ध्रुवीय जो दो ध्रुवीय विश्व था वो भी समाप्त होकर एक ध्रुवीय विश्व यहाँ पर स्थापित हो जाता है। तो ये पूरी जो घटनाक्रम थी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि स्थितियाँ, घटनाएँ, परिवर्तन, राजनीतिक गतिरोध, युद्ध, दंश और कह सकते हैं कि यहाँ पर दोस्ती दुश्मनी की बदलती परिस्थितियाँ, कई सारे नए समझौतों का दौर और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का बहुत तेज़ी से बदलना। राजनीति में एक चीज़ समझ में आती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आप किसी के ना बहुत लंबे समय तक दोस्त बने रह सकते हैं और ना बहुत लंबे समय तक किसी के दुश्मन बने रह सकते हैं। जिसको जब जहां जिसके साथ फायदा मिलता है वो तब वहां उसके साथ खड़ा हो जाएगा और जहां जिसको मौका मिलेगा आपके साथ गद्दारी भी करेगा। और ये ऐसा दौर देखने को 1960 से 64 से लेकर 91 का जो दौर दिखता है वो यही दिखाई देता है। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके जो पॉइंट आउट होंगे वो हम कल स्टार्टिंग में लिख लेंगे और उसके बाद फिर तीसरे और चौथे दौर की कहानियां शुरू करेंगे और बाकी सारे घटनाक्रम को वहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन डाउट कुछ पूछना है? इसमें सब कहानी है, इसमें तो वैसे भी कुछ पूछना है नहीं, है ना? चलो ठीक, हाँ ऑफलाइन में किसी को कुछ चीज़ें स्पष्ट ना हुई लाइव में, जो लोग बैठे हैं या सो तो नहीं गए हैं या सिर्फ कहानी का मजा ही ले रहे हैं तो कहानी सिर्फ पढ़ाने का तरीका है, जो याद करना है वो आपको पॉइंट आउट। ये तो रखना पड़ेगा क्योंकि क्या है कि जो चीजें बदलेंगी आपको, जब आप बताएंगे कि हाँ यथार्थवाद क्या है, यथार्थवाद में कौन सी पॉलिसीज आएंगी, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा कि यथार्थवाद में क्या क्या चीज़ें आएंगी, आदर्शवाद में क्या है, वो आपको बताना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोट भी डालना पड़ेगा, उनके पॉइंट भी लिखने पड़ेंगे और ये सारी चीज़ आपको बिना लिखे तो आप वहाँ पे स्पष्ट नहीं कर सकते। आंसर जो भी लिखना है वो आपको 200 वर्ड में लिखना है। ठीक है, जो क्वेश्चन आज का दिया गया है 200 वर्ड का होगा और इसको लिखना है। कहानी आपको सारी बता दी गई है दूसरे चरण की, इसलिए आपको वहाँ पे आंसर आप लिख कर आएंगे, बाकी पॉइंट जो होगा वो मैं लिखाऊंगा दूसरे चरण के। पहले चरण के पॉइंट आपके कंप्लीट हैं, लिसेंड हैं और लिखाए भी हुए हैं। ठीक है, तो कल मिलेंगे, बाकी सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे, इस पॉइंट्स को वहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और जो शेष रह गया उसको भी वहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल।